आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पूरे एग्री पैक की बात करें तो इसमें भी हमने काफी बड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा। देखिए, हाइलाइट तो मुझे दिखता है कि इसके अंदर गवार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवार में हमने पिछले एक हफ्ते में करीबन 3% के करीब की तेजी आते हुए देखी है। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करें तो काफी समय तक मार्केट एक सुस्त रेंज में था, उसके बाद एक गिरावट थी। अब गिरावट से दो हफ्ते में अच्छी तेजी आई है, जिसमें गवार गम भी 3.5% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन में भी 3% की तेजी हमने बनते हुए देखी है, मेंथा में 3% की तेजी बनते हुए देखी है। और भी अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों में जैसे जीरा है, जीरे में गिरावट भी आई थी सोमवार को, बट रिकवर करके 2% की तेजी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी में एक गिरावट का रुख अभी भी बना हुआ है, धनिया काफी स्टेबल बना हुआ है। अदर कमोडिटीज के अंदर भी जैसे स्पॉट में अगर हम देखें तो सोयाबीन है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना दिखाई दे रहा है। चने में भी हमने धीरे धीरे एक मोमेंटम हाजिर मार्केट में पॉजिटिव देख रहे हैं। तो ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे अगर हम एग्री पैक की बात करें। सबसे पहले हम गवार पे आ जाते हैं। गवार में अब तक हमारा जो स्टैंड था वो साइडवे टू नेगेटिव था मार्केट में, और हमने उसी के तहत काफी कंसोलिडेशन देखा था, जो 6200 से 6500 के बीच में ट्रेड कर रहा था। और हमने कहा भी था कि मार्केट में 15-20 मार्च के बाद ही तेजी बनेगी, और हमने देखा कि एक बार मार्केट में सभी में एक ऐसी गिरावट आई जो 5600 का लेवल भी हमने गवार में छूते हुए देखा। बट दो दिन पहले, या हम बोल सकते हैं ये हफ्ते में, हमने देखा यूएस से अपडेट आया कि हम इंपोर्ट तेल का नहीं करेंगे रशिया से, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं गवार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। तो हमें लगता है 6100 के ऊपर गवार आ चुका है, बाइंग करके चलिए। जो ऊपर में हमें लगता है सारे फंडामेंटल अब गवार के लिए सपोर्टिव है, चाहे हम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 8000 का टारगेट हम गवार में लेके चल सकते हैं। वहीं गवार गम में भी अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू गवार सीड, गवार गम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम एक साल की बात करें तो जहां गवार ने 60% की तेजी दिखाई है, वहां गवार गम ने 90% की तेजी दिखाई है। और गवार गम के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स अच्छे आने की उम्मीद है आने वाले टाइम में, जिसके चलते गवार गम हमें लगता है कि वापस 12,500-13,000 तो इमीडिएट में तोड़ सकता है। तो इन दोनों पे ध्यान रखिए। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स में 38,000 का लेवल काफी इम्पोर्टेंट था, वो आज ब्रीच होते हुए दिखा है हमने। इंटरनेशनल भी 121 सेंट के ऊपर की क्लोजिंग काफी साउंड है। क्रूड की तेजी के चलते कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मैनमेड फाइबर, पॉलिस्टर, ये महंगे हो जाते हैं, जिसका एक सपोर्ट कॉटन मिलेगा। इनफैक्ट चाइना ने भी स्टॉकिंग करने की बातें की है, जिसके चलते कॉटन में हमें लगता है एक अच्छी खासी तेजी वापस बन सकती है, जो 128 सेंट से 130 सेंट का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे 40,000 से 41,000 के लेवल देखने मिल जाएंगे। थोड़ा सा व्यू लंबा रखिए, बिकॉज इंट्राडे एक दो दिन के व्यू में मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, जिसके चलते अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। वहीं मसालों की अगर हम बात करें तो हल्दी और धनिया में तो हमने गिरावट देखी, बट जीरे में अभी भी तेजी बनी हुई है। कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मसालों में हमारा व्यू मंदी का है, मसाले में इनफैक्ट 2022 काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, बट करंट लेवल पे बाइंग करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऊंचे तेल के भाव की वजह से एक रिसेशन का खतरा 200% बना हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से मसालों के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी हायर लेवल पे स्टॉक करके नहीं चलेगा। एक्सपोर्ट्स में भी हम देखें तो अच्छे तेल के भाव होने की वजह से जो टैरिफ्स है वो काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट बन सकती है। अराइवल प्रेशर भी है, तो करीबन हमें लगता है कि 18,500 के आसपास मिले जीरा तो ही बाय कीजिए, अदरवाइज ये लेवल पे बाय करके पैसा नहीं बन सकता है। धनिया में भी हमें लगता है 8,500 से 8,800 का लेवल मिले, वहां पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। हल्दी फिर भी हम थोड़े देख रहे हैं कि 9,000 के नीचे बनता है, तो धीरे धीरे बाइंग करके चलना चाहिए, बट मसालों में थोड़ा अवॉइड कीजिए। कैस्टर भी एक अच्छा काउंटर है, 7,100 के करीब लेके चलिए। 7,550 का लेवल तोड़ता है तो 7,800 तक का भी लेवल दिखा देगा, ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने फिर से मार्केट को एक सुस्त रेंज में जाते हुए देखा, 1% की गिरावट के साथ ट्रेड किया है। जो फरवरी का रेंज हमने बताया था कि 3,000 से 3,400 के बीच में है, अभी भी मार्केट उसी रेंज में रहेगा, बट ध्यान रखिए अब धीरे धीरे मार्केट पे प्रेशर बनना चालू हो जाएगा मार्च बियॉन्ड। जो भी तेजी आनी है वो मार्च तक आनी है, तो जब तक 3,300 के ऊपर नहीं निकलता है एक रेंज बाउंड है, 3,000 के नीचे प्राइसेस जाते हुए
नहीं दिखाई दे रहे। ओवरऑल एग्री के अंदर मसालों को छोड़ के गवार पे, कैस्टर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर निकल के आ सकती है। धन्यवाद। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।